यदि आप किसी बिल्ली के मालिक हैं तो आपने अक्सर उसे घुरघुराते हुए सुना होगा। घुरघुराना एक तरह की आवाज़ है जो सुनने में किसी वाइब्रेशन साउंड की तरह लग सकती है। इस दौरान यदि आप अपनी बिल्ली को छुएंगे तो आपको कंपन महसूस होगा। कई बार यह आवाज़ सुनने में रहस्यमय लग सकती है क्योंकि कई बार पता नहीं चल पाता कि यह ध्वनि कहाँ से आ रही है। बिल्लियों के घुरघुराने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे लंबे समय के बाद अपने मालिक को देखना या उनके पास जाने की इच्छा करना। इसके अलावा जब मालिक अपनी बिल्ली को गोद में लेकर उसे गुदगुदी या प्यार करते हैं तो ऐसे में भी वो घुरघुराने जैसी आवाज़ निकाल सकती है। इन जानवरों में घुरघुराने की आवाज़ काफ़ी खास होती है। इन आवाज़ों के आधार पर ही बिल्लियों को वर्गीकृत किया गया है, इसलिए बिग कैट्स यानी बिल्लियों की बड़ी प्रजाति जैसे बाघ, शेर और तेंदुआ दहाड़ते हैं, जबकि आमतौर पर घरों में पाली जाने वाली बिल्लियाँ घुरघुराती हैं। बिल्लियाँ स्थितियों के अनुसार अलग अलग तरह से घुरघुरा सकती है। यह केवल खुशी में या भाव व्यक्त करने के लिए ही नहीं घुरघुराती, वास्तव में घुरघुराना इनके लिए संचार का माध्यम है। इनके जरिए यह अपनी इच्छाओं को व्यक्त करती है और विभिन्न स्थितियों को संबोधित करती है। इसके अलावा बिल्लियाँ इन स्थितियों में भी घुरघुरा सकती है जब वह डरी होती है, जब वह नए क्षेत्र में जाती है, जब वह भूखी होती है। बिल्ली के बच्चे इसलिए घुरघुराते हैं ताकि उनकी माँ उन्हें आसानी से ढूंढ सके। इसके अलावा मरते समय भी यह घुरघुराती है। घुरघुराना की आवाज़ बिल्ली को स्वर यंत्र और डायफार्म की मांसपेशियों में कंपन होने के कारण होती है। वायस वाक्स को ही स्वर यंत्र कहते हैं। जब स्वर यंत्र की मांसपेशियां वाइब्रेट करती है तो ग्लोटिक वायस वाक्स का एक भाग फैलता और सिकुड़ता है। वेकल कार्ड के पास स्थित स्वरयंत्र के मध्य भाग में संकुच की वजह से मांसपेशियों का कंपन होता है। जब सांस लेने और बाहर छोड़ने के दौरान हवा इससे गुजरती है तो घुरघुराने की आवाज़ आती है। बिल्लियां लंबे समय तक घुरघुरा सकती है क्योंकि यह ध्वनि सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने के दौरान उत्पन्न होती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।